हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अभी जस्ट कस्टमर आए थे, अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज संडे है तो आज मैं मतलब थोड़ी लेट उठती हूँ, बट कस्टमर आ गए तो घर से उठना पड़ा एंड उनको कहीं जाना था तो बोले कि मुझे कहीं जाना है तो इसी टाइम आप आईडो बना सकते हो, तो मैंने बना दिया आईडो। आप इसके बाद 23 बजे तो घर का काम कर दी एंड मैंने अभी छोटे छोटे उठे बार बार ऐसे देख रहे हैं। तो आज मैं हेयर केयर टिप्स बताऊँगी आप लोगों को। बालों में जब भी आप शैम्पू कर रहे हो तो अपने बालों को अच्छे से केयर करना चाहिए। अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपका हेयर फॉल जो है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बालों में अच्छी से ऑयलिंग करनी है, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल को 1 से 2 घंटे बालों में छोड़ना है। ओके, ऑयल को 1-2 घंटे बालों में छोड़ना है। उसके बाद शैम्पू यूज करते टाइम कुछ चीज़ें मिक्स करने के लिए बताऊँगी जिससे कि आपका हेयर फॉल 100% तक जाएगा। तो वीडियो पे नए हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं अभी ऑयलिंग जो करने वाली हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल और काफ़ी अच्छे से ऑयलिंग करनी है, वीडियो भी कंजूसी नहीं करनी है। स्कैल्प एंड हेयर दोनों को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, बट जब भी आप ऑयलिंग करते हो बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, शैम्पू करते टाइम आपको रब करना होता है। क्योंकि जब हम लोग शैम्पू करते हैं तो बालों का जो स्कैल्प होता है, जैसे हमारी स्किन पे बॉडी पे डेड स्किन आते हैं, धूल मिट्टी से गंदगी आती है, वैसे ही हमारे बालों की स्कैल्प पे भी आती है। तो बालों को रब नहीं करना है लेकिन स्कैल्प को अच्छे से रब करना है। जो भी चीज़ें मैं शैम्पू में मिक्स करूँगी उसको 2 से 3 मिनट तक बालों में वैसे ही छोड़ देना है। जब आप शैम्पू करोगे तब बालों में छोड़ के अपने बॉडी पे साबुन लगेगा तो टाइम हो जाता है, फिर आप वॉश कीजिए, आप देखोगे आपको फर्स्ट यूज से ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए ऑयलिंग करके दिखाती हूँ कैसे करना है आपको बालों में ऑयलिंग। पहले मैंने सोचा कि बस बता दिया जाए आपको कैसे ऑयलिंग करनी है, बट कैसे करनी है प्रॉपर तरीका क्या है वो मैं बता रही। तो पहले मैं अपना रबड़ निकालती थी तो उसमें कम से कम 10-12 बाल निकले हुए दिखते थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 1 बाल मैं आपको दिख रहा हूँ। फिर जैसे खींचने पर 10-12 बाल निकल जाते थे, अच्छे से ऑयल को लगा लेते। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता तो आप नारियल का तेल लगा सकते हो, नारियल का तेल सभी में सूट करता है। इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगा लेते। अभी मैंने ब्रश भी ले लिया है, सबसे एक वीडियो बना रही हूँ मेरी शरीर की, उसको मैंने एक वीडियो बना ली है। कभी भी हम लोग अपनी करते हैं तो ऐसे नहीं करने, इससे क्या होता है हमारे बाल ड्राई होते हैं एंड बहुत ज़्यादा रफ हो गए, लोग मुझे हो गए जाते हैं, तो सिर्फ ऐसे लगाना चाहिए।
तो जड़ों में अच्छे से लगा लेना है तरीके से बालों को तेल को। आपने नोटिस किया होगा तेल लगाते वक्त हमारे ज़्यादातर गैस को होता है, उसका कारण यही है कि आप बहुत गर्म करके जो तेल लगाते हो और तेल को ज़्यादा टाइम तक बाल में रखते हो उसकी वजह से आपके गैस को होते हैं। तो तेल को ज़्यादा देर तक बाल में नहीं रखना है, बस इस तरीके से लगा लेना है, हल्का हल्का मसाज देना है एंड हाई बन बना के ना छोड़ोगे। आप जैसे बालों को होल्ड करना चाहते हो वैसे होल्ड कर लीजिए कम से कम 1 से 2 घंटे। और जिसकी भी ड्राई स्किन है डेड स्किन आपकी चेहरे पे उसको लेना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से स्किन पे लगाना है। ड्राई स्किन वालों को बता रही के लिए बता रही हूँ, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी ऑयल निकलता है एंड जब आप ऑयल वो भी मस्टर्ड ऑयल बहुत गर्म होता है जिसकी वजह से आपके पिंपल्स एक्ने बहुत बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ ड्राई स्किन वाले करें, ड्राई स्किन वाले अगर यूज करेंगे तो उनकी जो डेड स्किन है वो निकलेगी एंड स्किन ग्रो करेगा और जो डार्क स्पॉट्स है वो रिमूव होने लग जाएगा। तो सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए ये टिप्स है, नॉट फॉर ऑयली स्किन। ओके, ऑयली स्किन वाले ना यूज करें। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मसाज करने से क्या होता है भाई, आईज रिलैक्स होती है एंड जो आईज का डार्कनेस है वो रिमूव होता है। आईज के नीचे कुछ इस तरीके से मसाज किया जाता है, ऊपर इस तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं करना। ओके, ऐसे हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से। इससे जो आपकी स्किन का चिकुड़ापन है यानी कि झुर्रियाँ हैं जो स्किन पे लाइन्स आ रखे हैं उनको ये रिमूव करेगा और आपका आईज के आसपास का जो डार्कनेस है, डार्क सर्कल है उसको रिमूव करेगा। बच्चों का तेल बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप बच्चों को नहला रहे हो तो उनको लगा के और नहलाओगे तो उनका भी स्किन ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों पे ऑयली ड्राई नहीं देखना क्योंकि बच्चों का तो ऑलमोस्ट सेम होता है कम से कम 10 से 15 साल तक। तो अब 2 घंटे के बाद फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। 2 घंटे के बाद आपको जो शैम्पू में चीज़ ये ऐड करनी है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को 2 चम्मच या 1 चम्मच इतना भी शैम्पू आपके बालों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना है मग में। डायरेक्ट शैम्पू कभी भी अपने स्कैल्प पे यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से मसाज तो मैंने कर लिया। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, शैम्पू कभी भी डायरेक्ट गीले बालों में नहीं अप्लाई करना है क्योंकि ज़्यादा शैम्पू की ज़्यादा क्वांटिटी आपके स्कैल्प पे रह जाती है एंड अच्छे से नहीं निकलेगी। तो बाद में क्या होगा कि आपका जो शैम्पू वाला एरिया है वहाँ पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायरेक्ट स्कैल्प पे कभी भी शैम्पू यूज नहीं करना है। आप जो भी प्रोडक्ट शैम्पू में ऐड कर रहे हो उसको एक बाउल में पानी ले लीजिए, शैम्पू को गिराइए, फिर जो प्रोडक्ट है उसको गिराइए, अच्छे से मिक्स कीजिए, बालों को गीला कर लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे ऐसे मसाज करना है बालों में और 2 मिनट तक छोड़ देंगे। नॉर्मल शैम्पू लगाने तक तो आप मसाज करके बोलो, बट आपको ग्लिसरीन ऐड करना है। ग्लिसरीन डालने के बाद से आपको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। तो ग्लिसरीन डालने के बाद से आपको 5 मिनट तक बालों में छोड़ना है ग्लिसरीन को और फिर वॉश करना है। आप देखोगे डे बाई डे आपका हेयरफॉल कम हो जाए है और बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो गया है तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने शैम्पू और ग्लिसरीन वाले शैम्पू में 2 विटामिन की कैप्सूल ऐड करनी है और फिर मसाज करना है 5 मिनट तक बालों में वैसे ही रहने देना है, फिर नॉर्मल पानी से वॉश करना है। आप देखोगे आपका हेयरफॉल जो है वो डे बाई डे कम होते जा रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ग्लिसरीन की बॉटल कुछ इस तरीके की होती है। तो चलिए हेयर वॉश करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखाते हैं। और मेरा हेयरफॉल 80% तक कम हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए जिनको भी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है।
लोग बहुत ऑयली ऑयली लग रही हूँ। अब मैं जा रही चाय बनाने, चाय बना के हम लोग पियेंगे, घर का थोड़ा काम कर दूँ, झाड़ू पोछा वगैरह, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फाइनल रिजल्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे और ये है ग्रीस रिंग, और इसको मैं ऐड करूँगी शैम्पू के अंदर, अच्छे से मसाज करूँगी। फिर से बता रही हूँ, शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं डालना है, आपको एक बाउल में शैम्पू लेना है, पानी लेना है, ग्रीस रिंग डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा शैम्पू लेके बालों में अच्छे से झाग बनाना है, अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करनी है, फिर जो झाग आपके स्कैल्प से निकलेगा उससे ही बालों की लेंथ को साफ करना है, और फिर पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश करना है, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश कर लिया है, बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे हैं। आप ग्लिसरीन ऐड करके बालों को वॉश करते हो तो आपके बालों का जो उलझन होता है वो ट्रैंगल वगैरह नहीं आते हैं, बिल्कुल ईजिली आपके हाथ या कंघी आराम से निकलते हैं, और बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस रहता है। जो आपका बालों का टेक्सचर है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, कर्ली स्ट्रेट जो भी है वो तो वैसे ही रहेगा, बट हेयरफॉल और बालों को सॉफ्ट मुलायम बनाता है ये वाला नुस्खा। तो आई होप की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।